हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो जो पोल पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो कई बार मैं उनके सॉल्यूशन भी बता देता हूं आपको, ताकि आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ये मैं अपने मन से सोच के रात को लेटे लेटे कई बार ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोल पर दे देता हूं। ये मेरे माइंड का ट्रू रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मेरे दिमाग में आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं जेईई मेन एडवांस दोनों के लिए। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता मैं, कभी कभी आसान भी आते हैं, और आसान पेपर तो आसान क्वेश्चन तो जेईई मेन में भी आते हैं, कई बार एडवांस में भी आते हैं। तो आसान क्वेश्चन को आपको भी इम्पॉर्टेंट और सीरियस लेना चाहिए। चलिए, आज हम ले रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन 36 to 40। कमिंग टू 36, दिस इज द वन विच ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस कौन देगा। तो अगर 36 की बात करें तो अगर ध्यान दो कैल्शियम ऑक्जिलेट, तो CaC2O4 आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस CO प्लस CO2, तो यस इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तो आप सब जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देता। एंड देन सिल्वर ऑक्जिलेट Ag2C2O4 को हीट करते हो आप तो ये सिल्वर में डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि सिल्वर का ऑक्साइड भी अनस्टेबल होता है, हीट करने पर डिकम्पोज हो गया तो सिल्वर, और ये CO2 गैस इवॉल्व आउट करता है। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट को अगर हीट करो तो यहाँ से ये अमोनिया गैस इवॉल्व करता है, H2O की वेपर्स एंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड केवल यहाँ मिला, तो आंसर इज व्हाट। अच्छा क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस के लिए भी एक अच्छा सवाल है, एंड द आंसर इज ए। तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 37, आप चाहो तो ये पॉइंट्स नोट भी करते जाएंगे। 37 में बच्चों देखो पूछा है कि विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑन हाइड्रोलिसिस और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या नॉर्मल हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं। S2F2, तो S2F2 तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, आप पानी से रिएक्शन कराओ तो सल्फर प्लस SO2 गैसेज इवॉल्व आउट प्लस HF। SF4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो SO2 बनता है प्लस HF बनता है, नो हाइड्रोलिसिस। तो भाई यही आंसर है, SF2 ऑल्सो अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, दिस ऑल्सो फॉर्म सल्फर का येलो वाइट PPT प्लस SO2 प्लस HF इज फॉर्म्ड। और Br2 ब्रोमीन NaOH के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन करता है और NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। अच्छी क्वेश्चन था, तो दिस इज द वन। तो विच ऑप्शन बी, अगेन जेईई एडवांस्ड के लिए या मेन के लिए मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा, एडवांस्ड के लिए नॉर्मल क्वेश्चन माना जाएगा। तो आंसर इज बी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ कमिंग टू 38, लुक एट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलैरिटी ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग यूजुअली। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड भी वॉलेटाइल होते हैं कई बार, जैसे आयोडीन सॉलिड वॉलेटाइल है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये भी डिपेंडेंट होता है। वेपर डेंसिटी, हाँ वेपर डेंसिटी, तो आंसर इज सी। क्यों सी? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इनटू मोलर मास, मोलर मास इज कांस्टेंट फॉर द गिवन सब्सटेंस, तो वेपर डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, ये आसान सवाल था 38 जो था। नाउ कमिंग टू 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल कौन कौन है? C2H5OH, वाटर CH3OH एंड मरकरी। मरकरी तो बिल्कुल नहीं, मरकरी इज ऑलमोस्ट नॉन वॉलेटाइल अंडर रूम कंडीशंस। वाटर भी नहीं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों हाइड्रोजन के थ्रू होती है, एंड मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात आती है मीथेनॉल, इथेनॉल में काफ़ी बच्चों ने इसमें गलत आंसर दिया। हाईएस्ट वेपर प्रेशर मीथेनॉल का होगा, क्योंकि मोलर मास, क्योंकि OH एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH के थ्रू होगी, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो मोलर मास ज़्यादा है, तो वाल्डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली ज़्यादा होंगे इथेनॉल में, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हायर है, तो वेपर प्रेशर हायर, हाइएस्ट ऑफ ऑल दीज 4 कंपाउंड्स। तो आंसर कौन सा? मीथेनॉल। तो आंसर इज कौन सा? सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 40th क्वेश्चन भी देखो, विच एब्जॉर्ब्स, एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं तो विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर ऑफ द हाई एक्सटेंट, सिलिका जेल। ज्यादातर बच्चों का सही आंसर था, आसान क्वेश्चन भी था सरफेस केमिस्ट्री से, तो आंसर इज बी। सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और आयरन प्लेट ना एब्जॉर्ब करता ना एब्जॉर्ब करता, नेग्लिजिबल अमाउंट में इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर। तो बाकी फिर हाई एक्सटेंट पे पूछ रहे हैं तो आंसर इज सिलिका जेल। बच्चों यही थे कहाँ से लेकर के आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए। अच्छे सवाल थे, पढ़ते रहें। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर नाउ।